रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। जब किसी का बेटा दुनिया में ये दुआ मांगता है रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, उसके माँ बाप का एक दर्जा अल्लाह बुलंद करते हैं, अपनी शान के मुताबिक बुलंद करते हैं। माँ बाप कहते हैं या अल्लाह हमारा दर्जा इतना क्यों बुलंद किया, तो अल्लाह फरमाते दुनिया में तेरे बेटे ने एक दफा ये दुआ पढ़ी है। इस दुआ को जरा आज समझो, ये दुआ है क्या? रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा, ए मेरे रब, ए कायनात के पालने वाले, ए मौत और हयात के मालिक, सारी कायनात तेरी फकीर है, तू गनी है। अल्लाह मेरे माँ बाप दुनिया से चले गए, रब्बिरहमहुमा, ए अल्लाह उन दोनों पर रहम कर। कैसा रहम करूं? कमा रब्बयानी सगीरा, उस तरह रहम कर जब मैं छोटा सा था, रात छा चुकी थी, मेरे पेट में दर्द हुआ, मैं रोने लगा, मेरी माँ भी नींद से उठ गई, मेरा बाप भी नींद से उठ गया। माँ सीने से लगाती है, बेटे को क्या हो गया? बाप सीने से लगाता है, बेटे को क्या हो गया? सुबह की आजान हो गई, मेरे दर्द की वजह से ना माँ सोई ना बाप सोया। सर्दी का मौसम था, जाड़े का मौसम था, मैं अपनी माँ के पास छोटा सा बच्चा सोया हुआ था, मेरा पेशाब निकल गया, मैं रोने लगा। माँ बेदार हुई, उसने देखा मेरे बेटे ने पेशाब कर दिया, फौरन उसने मुझे साफ किया, खुश कपड़े पहनाए, और जगह नहीं थी, मुझे खुशक जगह पे डाला। मेरी माँ ने सर्दी का मौसम उस पेशाब की जगह पर सारी रात सर्दी में गुजार दिया। जिस तरह बचपन में मेरी माँ की ममता ने मुझ पर रहम किया, करम किया, मुझसे मोहब्बत की, मेरे साथ नाजो अंदाज और मेरे नखरे उठाए, रब्बा आज वो कब्र में चले गए, रब्बा तू उन पर भी ऐसे ही रहम फरमा। अल्लाह बूढ़ी हड्डियां लेकर आ गए, गुना आलूद बदन लेकर आ गए, मैं दुआ करता हूं उन्हें गुना में ना देख, पाक और साफ कर दे।